और बड़ी खबर, यूपी में सरकारी खर्चे पर पूजा कराए जाने पर सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता। नवरात्रि पर पूरे यूपी में योगी सरकार दुर्गा सप्तशती पाठ करवाने वाली है। रामनवमी पर अखंड रामायण का पाठ भी होगा। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी बीजेपी पर और यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमलावर है। योगी सरकार नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती और भगवान श्री राम के जन्मदिन रामनवमी पर अखंड रामायण का पाठ करवाएगी। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। तय योजना के मुताबिक कार्यक्रमों में महिलाओं और बालिकाओं की विशेष रूप से सहभागिता की जाएगी। इसके लिए हर जिले को 1,00,000 रुपए राशि प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, भगवान श्री राम की लीला स्थली भी है। अगर श्री रामचरित मानस से जुड़ा हुआ कोई भी अनुष्ठान होता है तो वह अपने आप में स्वागत योग्य कदम होना चाहिए। हालांकि यूपी सरकार के इस फैसले पर सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने जुबानी हमले शुरू कर दिए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से समाजवादी पार्टी कहना चाहती है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। राज्य के लिए सभी धर्म, उसके फेस्टिवल, उसके कल्चर बराबर होने चाहिए, उनको बराबर से ट्रीट किया जाना चाहिए, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए,